नमस्कार। नमस्कार। सम्यक संवाद कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी के साथ। ये जो नया का जो मामला है कि नया अचानक आ गया, पुराना जैसे कुछ था ही नहीं, तो दरअसल नया क्या है? ये जो नया आंदोलन थोपा गया ही कहना सही होगा, ये नया क्या है हिंदी साहित्य के लिए? ये नया जो है, ये पहला तो नया है जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के साथ जो प्रभाव हमारे यहाँ पड़े हैं, सांस्कृतिक प्रभाव हमारे यहाँ पड़े हैं। पश्चिम से हमारा जो संपर्क हुआ, वो संपर्क कोई बराबरी का संपर्क तो था नहीं, वो संपर्क तो मालिक और गुलाम वाला संपर्क था हम दोनों के बीच में। उससे पहले जो मुगलों का शासन है या जो मुस्लिम शासन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस आधुनिकता से या नएपन से हम अर्थ लगाते हैं साहित्य में, जिसे नयापन मानते हैं, आधुनिकता मानते हैं, वो सीधे सीधे हमारा पश्चिम के साथ जो संपर्क हुआ है, ये उसके कारण वहाँ से जो तमाम चीजें आई हैं उसको हम नए रूप में मानते हैं। तो जैसे अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे, एक नवजागरण पर एक बहस चल रही है। नवजागरण को कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नवजागरण जो है ये हुआ ही नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नवजागरण जो है ये केवल बंगाल में हुआ, हिंदी भाषी प्रांतों में तो नवजागरण जैसी चीज हुई ही नहीं। तो यानी के नवजागरण का जो अर्थ हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लगाते हैं, उसका मतलब है नवजागरण की जो विशेषताएं, जो प्रवृत्तियां, जो उसके सामान्य तत्व हैं, जो पश्चिम ने गिनाए हैं, पश्चिम ने जो तय किए हैं, पश्चिम ने जो माने हैं, हम उसी को नवजागरण की परिभाषा मानते हैं, उसी को नवजागरण का के जो घटक हैं वो मानते हैं। हमारे देश में उससे हटकर के अगर कोई भी चीज नवजागरण के, सुधार के, परिवर्तन के नाम पर या क्रांतिकारी बदलाव के नाम पर होगी, हम उसको तब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो पश्चिम की नवजागरण की दी हुई परिभाषा पर पूरा खरा न उतरे। ये बात खुल्लम खुल्ला खुल करके सामने आ रही है और लोग कह रहे हैं इस बात को, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो उपनिवेशवाद की, जो गुलामी की मानसिकता है, आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम उसमें उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसीलिए कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं आजकल कि हमारे देश में डीकॉलोनाइजेशन की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में इसकी है कि हम उन विचार सरणियों से मुक्त हो पाए जो विचार सरणी हमको उपनिवेशवाद ने हमारे ऊपर थोपी हैं, सचेतन रूप में हम हमारे दिमागों में भरी हैं। तो ये सवाल जो नएपन का है, ये उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग आज बात करना चाहते थे, असल में अभी तक की बातचीत में हमने भाषा, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पर बात की थी, खासकर उसमें जो रचनात्मक साहित्य है। विदेशों में भी जब हम गए थे तो विदेशी साहित्य में भी जो रचनात्मक साहित्य है, भले ही वो उपन्यास हो, भले ही वो कविताएं हो, उसी पर ज्यादा आधारित करके बात की थी। आज हम चाहते हैं उस बहस को थोड़ा सा विस्तार दें, यानी कि उस बहस को हम साहित्य के सिद्धांत, समीक्षा के सिद्धांत, साहित्य की आलोचना, उस तक थोड़ा सा फैला करके देखें, केवल रचनात्मक साहित्य तक ही उसको सीमित न रखें।
उससे बहुत सारी चीजें खुलेंगी। मैं निर्भय जी आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से रचनात्मक साहित्य का मामला बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने वोल्गा के प्रभाव से की, और जो हडसन वाले जो प्रभाव हिंदी साहित्य में आए, मतलब प्रतीकात्मक रूप में जिन दो शब्दों का विशेष रूप से हमने प्रयोग किया था इस प्रभाव को दिखाने के लिए, आलोचना की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। आलोचना में भी वो प्रभाव उसी तरह से दिखाई पड़ते हैं। आप क्या इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इस देश में जहां आलोचना की, समीक्षा के सिद्धांतों की, जिसको संस्कृत में काव्य शास्त्र कहा जाता है, साहित्य सिद्धांत कहा जाता है, जहां इसकी इतनी समृद्ध परंपरा रही है, साहित्य को लेकर के केवल दो तरह के स्कूल नहीं हैं जो उसके कंटेंट माने वस्तु पर विचार करें, जो उसके रूप पर विचार करें, इसका मतलब पाठ और उसका जो कथ्य है, उन दोनों को लेकर के जो सिद्धांत हमारे यहाँ बने हैं, लगभग 6 सिद्धांत तो स्थापित ही हैं जिसमें कथ्य और रूप को लेकर के विचार करते हैं ये साहित्य, और विस्तार से विचार करते हैं, गहराई में जाकर के विचार करते हैं, इतनी गहराई में ना उस जमाने में किसी दुनिया के किसी दूसरे साहित्य में ये देखने को मिलता है। और मैं तो कहूंगा कि आज भी अगर हम उसका विश्लेषण करें तो आज भी दुनिया के समीक्षा सिद्धांतों में उस तरह का विस्तार, उस तरह की वर्णनात्मकता और उस तरह की गहराई कम दिखाई पड़ती है। तो उस साहित्य सिद्धांत की जो एक पुष्ट परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके हमने साहित्य समीक्षा को कहां से उठाया है? पश्चिम के देशों में रोजमर्रा जो नए नए सिद्धांत पैदा होते रहते हैं समीक्षा के, वो हमारे लिए अचानक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। और जो संस्कृत का थोड़ा बहुत विश्लेषण बाद में हुआ, उसको पूरी तरह से नए जो समीक्षक हैं, नए जो लेखक हैं, नया जो साहित्य है, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे वो क्या कहते हैं, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आलोचना में आज हमारी स्थिति लगभग वही है। हमको नहीं मालूम है हम क्या कर रहे हैं, किन आधारों पर साहित्य का विश्लेषण करना चाहते हैं, साहित्य के मूल्यांकन के मान किन सिद्धांतों को या किन चीजों को बनाना चाहते हैं, ठीक से अभी तक हमको ये नहीं मालूम है। हर 5-10 साल के बाद पश्चिम से कोई नई चीज आती है, और जो समीक्षा के क्षेत्र में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसको अपनाते हैं और उसको सिद्धांत के रूप में लागू करके नयापन दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सबसे नई चीज है। और जो हमारे रचनाकार हैं या दूसरे समीक्षक हैं जो इससे भली भांति परिचित नहीं है या समझ के मामले में थोड़े से पिछड़े हुए हैं, कुछ भारतीय हैं, उनको इस बात को लेकर के आश्चर्य होता है कि हाँ, देखो ये नई चीज आ रही है, इसको देखना चाहिए। ये स्थिति आलोचना की बनी हुई है। हमने साहित्य के संदर्भ में इसकी चर्चा की थी। देखिए, आज आप देखिए कि भारतेंदु युग से जो नई हिंदी का की शुरुआत हुई है, जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, जिसको गद्य साहित्य की रचना भी कहते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग तक और कुछ हद तक जो छायावाद है, छायावाद जिसको हम रोमांटिसिज्म का एक तरह का मिलती जुलती चीज मानते हैं, जो पश्चिमी रोमांटिसिज्म है,
उससे मिलती जुलती चीज मानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रोमेंटिसिज्म पर आधारित नहीं है। आप निराला में देखें, आप महादेवी में देखें, आप पंत में देखें, आप प्रसाद में देखें, उसमें देश की बात है, देश की पुरानी कथाओं की भी चीजें उसमें आपको, निराला का जो है राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा में वो दिखाते हैं। प्रसाद की पूरी कामायनी जो है ये भारतीय दर्शन के और कथा पर आधारित है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है। महादेवी में भी जो कसक है वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी हुई, और पंत तो पूरा जो भारत की प्रकृति का वैभव है वो उसी के कवि में, मतलब पूरे स्वच्छंदता के बावजूद वो अभी अपनी जमीन से अलग नहीं हुए हैं। ये रचनाकार जो है ये छायावाद तक दिखाई पड़ता है, ये अलग कहाँ से होना शुरू हुए हैं। तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो समाजवादी, समाजवाद का जो प्रभाव पूरी दुनिया में फैला है, वो जब कविताओं में भी आना शुरू हुआ, वो उपन्यासों में आना शुरू हुआ, वो हमारी समीक्षा के सिद्धांतों में आना शुरू हुआ, तो आप समझिए कि धीरे धीरे हम अपनी जमीन से अलग होते गए। उसी तरह से जो अस्तित्ववाद है या जो एब्सर्डिटी की जो विचारधाराएं हैं या जो ज्ञान विज्ञान के जो दूसरी चीजें हैं, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, ये क्या बायोलॉजिकल जो चीजें हैं, जीवनी विज्ञान है, ये तमाम चीजें जिस तरह से आनी शुरू हुई हैं, आप ये देखेंगे कि हम इनकी गिरफ्त में आते आते आना शुरू हो गए। हमने अपनी परंपरा को, अपनी जो साहित्य शास्त्र का चिंतन है उसको, उसका जो जिक्र होता था, उसका जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता था समीक्षा सिद्धांतों में, उसकी तरफ से पूरी तरह से मुंह मोड़ करके इसी को अपना मार्गदर्शक बना लिया है। ये है नयापन जिसकी बात आप हमसे पूछ रहे थे। ये नयापन जो है ये क्या है? ये नयापन इस पश्चिमी, पश्चिम के उपनिवेशवाद को, पश्चिम के साम्राज्यवाद को, पश्चिम के समाजवाद की संस्कृति को अपनाने के रूप में ये व्यक्त हो। समाजवाद का नाम यहाँ मैंने जानबूझकर इसलिए लिया, कई लोगों को इस पर एतराज होगा कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के साथ आप इसको कैसे जोड़ते हैं। याद कीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधीवाद और मार्क्सवाद और समाजवाद नाम की जो उनकी पुस्तक है, उसमें जब विश्लेषण करते हैं दुनिया की व्यवस्थाओं का, दुनिया की सभ्यताओं का, तो एक बात विशेष रूप से जोर देकर के कहते हैं कि आधुनिक युग में मार्क्सवाद पिछड़े हुए देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो काली जातियों, काली जातियों के ऊपर, काली और ये जो सांवली जातियां हैं इनके ऊपर गोरी जातियों के प्रभुत्व का आधुनिक हथियार है। ये बात उन्होंने कही, खुलेआम कही। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि ये नएपन के जो प्रभाव हैं हमारे ऊपर जो आ रहे हैं, इसको ठीक से देखना चाहिए, इसके तार बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। ये सवाल इतना आसान नहीं है, इसके तार हमारी पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से, पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, इसके तार राजनीति से जुड़े हुए हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद की जो संस्कृतियां हैं उससे इसके तार जुड़े हुए हैं। नव जागरण की जो अवधारणाएं हैं उससे इसके तार जुड़े हुए हैं। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणा हैं, उन तमाम चीजों से इस नएपन के तार जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमारी जिसको हम समीक्षा कहते हैं, आधुनिक समीक्षा कहते हैं, हिंदी समीक्षा कहते हैं, उसके तार भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये काफी जटिल मामला है, उतना सरल नहीं है जिस रूप में हम सोचते हैं। हो क्या रहा है हिंदी में? हिंदी के रचनाकार जो है, ये आलोचकों को जो है गाली देते रहते हैं कि आलोचक जो है
इनकी समझ जो है ये भोतरी हो गई है, रचना में तो इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है, इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है ये लिखी जा रही हैं, लेकिन आलोचक हैं कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन रात बैठ करके आलोचना को या आलोचना शास्त्र को जो है कोसते रहते हैं। और दूसरी तरफ ये जो समीक्षक हैं, वो जो एक पुराना मुहावरा चलता है पानी और कमल नाल का, मतलब रचना में अगर स्फूर्ति होगी, रचना में अगर तेज होगा, रचना में अगर जीवंतता होगी, तो उसके हिसाब से ही आलोचना में भी जीवंतता होगी। तो इस तर्क से वो रचना में ही कमी ढूंढने लगते हैं। मतलब दोनों आपस में ये जो उत्तम पजार होता है, और ये आज की बात नहीं है, काफी समय से हो रहा है। आलोचक है बड़ा पुरोहित, उसे खिलाओ, मतलब इस तरह की मानसिकता बन रही है कि खिला पिला करके ही आलोचक से आप अपनी पुस्तकों की, अपनी रचना की आलोचना करा सकते हैं। जो सीमित अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में इस आलोचना और रचना के विवाद को देखने का हमारे यहाँ जो ये चल पड़ा है, ये उन बड़े संदर्भों से मैं ना जाकर केवल एक व्यक्तिगत रूप में सारी चीजों को देख रहे हैं। रचना और आलोचना के रिश्ते को बहुत व्यक्तिगत रूप में देखने का ये परिणाम है, जो आपस में ये तकरार होती है या मनमुटाव होते हैं। तो मैं आज की बातचीत में ये शुरू में कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदी की आलोचना, जिसको आप आलोचना की दुर्गति कहते हैं, आलोचना की पिछड़ कहते हैं, आलोचना का हवा हवाई होना कहते हैं, ये इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं, और उन्हीं चीजों से रचना भी जुड़ी हुई है। पिछली कई बातचीत में हमने इस बात की का जिक्र किया था कि कैसे रचना भी हवा हवाई हो गई है। आप देखिए छायावाद के बाद, जिसको हम व्यक्ति स्वातंत्र युग कहते हैं, उसके कवियों में तो बहुत सारी चीजें जमीन से जुड़ी हुई मिलती भी हैं। उसके बाद की रचनाओं को आप देखिए, नई कविता को देखिए, प्रयोगवाद को देखिए, नई कहानी को देखिए, और उसके बाद जो कई तरह के नए नए जो वाद चले हैं उनकी रचनाओं को देखिए। कहीं से लगता है कि इन इन चीजों का इस देश से बहुत ज्यादा ताल्लुक है? मतलब अलग थलग हमने एक टापू में रचना का ये एक टापू अलग से बना लिया है। तो जिस तरह से रचना के तार बाहर से जुड़े हुए हैं, आज कई लोग आरोप लगाते हैं, कई कवियों पर, कई कहानीकारों पर, कई उस पर ही आरोप लगते हैं कि इन्होंने बाहर के कवि से, बाहर के कहानीकार से, बाहर के उपन्यासों से पूरी की पूरी चीज उठा करके अपनी कविता में, अपनी कहानी में, और ये आरोप रोजमर्रा लगते रहते हैं हिंदी में। सवाल ये है कि आप समीक्षा पर ये आरोप क्यों नहीं लगाते? समीक्षा ने तो पूरा का पूरा ही उठा लिया है। अगर अस्तित्ववाद है तो पूरा का पूरा अस्तित्ववाद समीक्षा ने वहां से ले लिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कविता ने तो मान लिया कोई पंक्ति मिल रही है, कोई भाव मिल रहा है, या कविता का पूरा सार मिल रहा है, लेकिन ये आलोचना तो खुल्लम खुल्ला अपने आप को मार्क्सवादी आलोचना कह रही है, मार्क्सवादी आलोचना कह रही है, समाजवादी आलोचना कह रही है, तो ये कौन सी मौलिक चीज हो गई भाई? ये इसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि ये कहां से उधार लेकर के आप बात कर रहे हैं? इसमें कोई भी मौलिकता का पुट आपने दिया है? कहीं से भी आपने अपनी समीक्षा के सिद्धांतों का की वानगी जो है ये पेश की है? सीधे सीधे वहां से आपने उठा दिया। तो क्या इसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है? सहज है, काहे की मेहनत करनी पड़े? हाँ, अगर आप हिंदी का आदमी, अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा हाथ तंग है, तो उसको पहले तो उसको बड़े परिश्रम से पढ़ेगा, फिर परिश्रम से, फिर यह है कि पश्चिमी चिंतन, क्योंकि उनकी जो चिंतन की परंपरा है वो काफी दूसरी तरह की है, हमारे यहाँ जो चिंतन की परंपरा है वो थोड़ा दूसरी तरह की है, तो उसको समझने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम कहते हैं इसको,
कि अंग्रेजी में पढ़ना और फिर उस चिंतन को समझना में जो परिश्रम करना पड़ता है, अगर ये परिश्रम है तो हाँ परिश्रम करना पड़ता है, इसके अलावा कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। उन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों यहाँ मक्खी मक्षिका के ऊपर मक्खी बिठाना, इस तरह की समीक्षा हमारे यहाँ इसका बोलबाला नए के नाम पर चल रहा है। तरमीम की बात तो जाने दीजिए, तरमीम की बात तो जाने दीजिए। जब दरीदा का जो डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है या संरचनावादियों का जो पाठ आधारित सिद्धांत है, उसमें तरमीम की, बदलाव की, परिवर्तन की और नया मौलिक जोड़ने की बात तो जाने दीजिए, उन सिद्धांतों को भी पूरा बिना समझे हुए लागू करने की कोशिश हमारे यहाँ ये अनुकरण करता करते रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। आप देखिए कि द्विवेदी युग में भारतेंदु के जमाने से आप बालमुकुंद गुप्त हैं और दूसरे बाल कृष्ण भट्ट हैं और दूसरे लोग हैं, आप पाएंगे कि जब वो समीक्षा करते हैं तो समीक्षा कहीं तो व्याख्या होती है, कहीं तो टीका होती है, कहीं तो गुण दोष परक जो समीक्षा होती है वो होती है। उसके बाद जो पहले समीक्षक हिंदी में आते हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा की विशेषताएं क्या हैं? उनको समीक्षा के सिद्धांतों को स्थापित करने का मौका नहीं मिला। रामचंद्र शुक्ल ने जो काम किया मुख्य रूप से, वो एक तो इतिहास का काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सिलसिलेवार रख करके उसका काल विभाजन किया है कि ये भक्ति काल है, ये वीर गाथा काल है, ये रीति काल है, ये आधुनिक काल है, ये किया है, एक बड़ा काम किया उन्होंने। और दूसरा काम उन्होंने कवियों के ऊपर, कुछ कुछ विशेष कवियों के ऊपर आधारित करके लिखा है, जैसे जायसी हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, इनके ऊपर उन्होंने विस्तार से लिखा है। लेकिन साहित्य की समीक्षा के सिद्धांतों को, मौलिक सिद्धांतों को स्थापित करने का ना तो उनके पास समय था और ना शायद उनका ये उद्देश्य था। फिर भी आप देखेंगे कि उन्होंने रस सिद्धांत को उठाया है, संस्कृत काव्य शास्त्र से रस सिद्धांत को उन्होंने रसमीमांसा में उठाया है और भी कई जगह उठाया है। भावों का जो उन्होंने वर्णन किया है वो भी लगभग रस सिद्धांत के जो भाव हैं उन्हीं के ऊपर आधारित हैं। और उस रस सिद्धांत का नया विश्लेषण उन्होंने किया है, साधारणीकरण का विश्लेषण किया, उसमें जो है समाज सम्मत लोक रुचि से उसको जोड़ा है, लोक धर्म से रस सिद्धांत को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये कुछ तरमीम उन्होंने की, कुछ मौलिकता उन्होंने सिद्धांतों में दिखाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से वो आलोचना के सिद्धांत नहीं बना पाए थे रामचंद्र शुक्ल जो। तो उम्मीद की जाती थी कि उनके बाद जो हिंदी समीक्षा आएगी, हिंदी समीक्षक आएंगे, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने जहां छोड़ा है समीक्षा को, कविता के ऊपर उन्होंने विचार किया, रस सिद्धांत के ऊपर उन्होंने विचार किया, रस सिद्धांत के जो अलग अलग अवयव हैं उनके ऊपर, भावों के ऊपर उन्होंने विचार किया और उसको लोकधर्मिता से जोड़ने की कोशिश की। तो उम्मीद थी कि उसमें कुछ इजाफा होगा, उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन होंगे, लेकिन उसके बाद हमको क्या दिखाई पड़ता? उसके बाद मार्क्सवाद आ गया। अब मार्क्सवाद में आप क्या मौलिकता दिखाएंगे, बताइए? मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वर्ग संघर्ष है, क्रांति का आह्वान है, ये सारी की सारी चीजें तो उस सिद्धांत में पहले से ही मौजूद हैं।
आपने उसी को उल्टा करके कविता पर, कहानी पर, उपन्यास पर, पूरे हिंदी साहित्य पर लागू करना शुरू किया, तो इसमें कहां से मौलिकता आएगी? उसके कैसे ये फीट हो जाती है, बाहरी आलोचना कैसे फीट हो जाती है हिंदी पर, हिंदी की रचनाओं पर? ये कितना सहज है। नहीं, सहज तो देखिए, अगर आप मन में बिल्कुल कसम खा कर करके बैठे हैं तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। रचना में, रचना ने भी वो काम करना शुरू किया था ना, इसलिए संभव हुआ कि समाजवादी अगर कोई रचना के रचना में समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, यथार्थवाद की स्थापना करना चाहता है, क्रांति की परिस्थितियों की स्थापना करना चाहता है, तो थोड़ा बहुत उसमें तोड़ मरोड़ करेगा अपनी तरह से। ऐसे ही आलोचना जो है वहां से उसको उठाएगी, वहां से उसको समीक्षा करेगी और देखेगी कि देखिए देखिए हमारी रचनाओं में ये तमाम जो तत्व मिल रहे हैं ये समाजवाद के बिल्कुल अनुकूल हैं। तो समाजवादी समीक्षा ने भी कोई नई चीज हिंदी आलोचना में विकसित करने की कोशिश नहीं की, बना बनाया पका पकाया जो माल था बाहर से उसको अब तो सब लोग मानने लगे हैं। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे लुकाज हैं, ब्रेक्स हैं और दूसरे जो समीक्षक हुए हैं समाज, सोवियत रूस के समीक्षकों को छोड़ दीजिए, वो तो एकदम लीक पर चलने वाले हैं, लेकिन बाहर के देशों में कुछ मार्क्सवादी समीक्षक जो हुए हैं उन्होंने कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो है वो दी हैं, हालांकि वो भी स्टालिनवाद से या मार्क्सवाद के रूढ़िवाद से मुक्त नहीं है पूरी तरह से, तो उसको थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं करते कि समीक्षा को हम अपने देश की धरती पर स्थापित करने की कोशिश करें, ये कोशिश नहीं करते। फिर अस्तित्ववाद वाले आते हैं, वो भी वहां से पूरे के पूरे सिद्धांत लिए और ये गिना दिया कि ये नई कहानी में तो आप देखते ही, नई कहानियों को किस तरह से जो है इस मानसिकता से परिभाषित करना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको हम आधुनिक समीक्षा कहते हैं, जिसको अत्याधुनिक समीक्षा, उत्तर आधुनिक समीक्षा कहते हैं या नई समीक्षा कहते हैं, उस समीक्षा में समीक्षा को नए धरातल पर स्थापित करने की, नए सिद्धांतों को उसमें देने की या नए मान मूल्यों का निर्माण करने की जो कोशिश होनी चाहिए थी हिंदी में, वैसा प्रयास नहीं किया। बद्धमूल हो गया हमारे दिमाग में ये बात कि जो भी अच्छी चीज है, जो भी नया चिंतन है, जो भी वैज्ञानिक और तर्कशील बात है, वो पश्चिम से आएगी। हमारे दिमागों में ये चीज बैठ गई। ये चीज कहां से बैठ गई? वही नवजागरण वाली बहस कि नवजागरण तो यूरोप में हुआ है। क्यों? इसका संबंध वैज्ञानिकता से, विज्ञान से है, इसका संबंध ज्ञान की नई शाखाओं से है, इसका संबंध नए नए अन्वेषणों से है, इसका संबंध तर्काधारित चिंतन से है। ये सब चीजें स्थापित उन लोगों ने की, उसको हमने जू का त्यू ले लिया। तो हमारे देश में वेदों से लगा करके आज तक जो परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन चाहे आप वेदांत के हिसाब से समझिए, वो परिवर्तन चाहे आप बुद्ध और महावीर के हिसाब से समझिए, वो परिवर्तन चाहे आप भक्ति आंदोलन के हिसाब से समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है उससे समझिए, या उसके बाद भी लगातार जो हो रहे हैं, गांधी से समझिए, विवेकानंद से समझिए, तो इन सारी चीजों पर आप ध्यान देना नहीं चाहते हैं। इन सारी चीजों को आप कोई परिवर्तन का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि परिवर्तन की जो अवधारणा यूरोप ने हमारे दिमागों में बिठा दी है, वही परिवर्तन है, वही रेनेसा है, वही नवजागरण है। इसके अलावा कोई परिवर्तन, कोई नवजागरण, कोई समाज सुधार ये हमको मान्य नहीं है।
ये धारणा बिठा रखी है, उसकी वजह से हम वहां से आंख बंद करके चीजों को लेकर के अपने को कृतकृत्य समझने लगे। डेरिडा से एक सिद्धांत ले लिया और उस पर तुर्रा ये है कि हम मौलिक चिंतक बने हुए घूम रहे हैं। अरे भाई, डेरिडा ने तो किया अपने यहाँ एक नई चीज को, अपने चिंतन में एक नई चीज पैदा करने की कोशिश की। सार्त्र ने या कामू ने अपने देश के या वहां के जो दूसरे उन्होंने अस्तित्ववादियों ने एक नया चिंतन पैदा करने की कोशिश की, एक मौलिक बात कहने की कोशिश की, लेकिन आपने उसमें कौन सी नई बात या मौलिक बात जोड़ने की कोशिश की और उस पर गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं कि हम तो जो है ये उत्तर आधुनिक समीक्षक है, हम तो अस्तित्ववादी समीक्षक हैं, हम तो मार्क्सवादी समीक्षक है। अरे मतलब ये कहते हुए थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आपने उसमें कुछ जोड़ा है क्या जो आप अपने आप को उसका उत्तराधिकारी मान रहे हैं, आपने उसमें क्या जोड़ा है। लुकास कहें, ब्रेस कहें और दूसरे लोग कहें तो समझ में आती है कि उन्होंने उसमें कुछ तरमीम की है, कुछ जोड़ा है। आप वहां से आंख बंद करके उठा रहे। तो हमारी जो समीक्षा की दुर्गति जो शुरू हुई है रामचंद्र शुक्ल के बाद, जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए था उस रास्ते पर न चल करके हमने जो अंधानुकरण का रास्ता अपनाया है, ये उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी सांस्कृतिक दास्ता का प्रतीक है और ये बढ़ रहा है। हम आजाद हो गए राजनीतिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से लगातार ज्यादा ज्यादा गुलाम होते गए हैं। इस चीज को देखना और महसूस करना हम लोगों ने बंद कर दिया और इसीलिए संस्कृत आलोचना के प्रति हमने आंख बंद कर दी है। आज पश्चिम के संरचनावादी हो, उत्तर आधुनिकतावादी हो, भाषावादी हो, ये जो आलोचना के सिद्धांत वहां से निकल रहे हैं, जो चिंतक उस पर विचार कर रहे हैं, वो ये बात को बीच बीच में उठाते हैं कि संस्कृत के सिद्धांत साहित्य सिद्धांतों में बहुत ही ऐसी काम की चीजें हैं जो आज भी हमको बहुत रास्ता दिखा सकती है, हमारे सिद्धांतों में मदद कर सकती है। वो कहते हैं इस बात को, लेकिन हम हैं कि जिद पकड़े हुए हैं कि संस्कृत में क्या होगा। पहली बात तो यह है कि हम तो हमारा हमारी ये धारणा बन गई है कि संस्कृत तो कभी जीवित भाषा थी ही नहीं। धारणा बन गई है कि संस्कृत तो कभी आम लोगों की जबान थी ही नहीं, बोलचाल की जबान थी ही नहीं, ये तो राजा रजवाड़ों के दरबार में चलने वाली जबान थी, कुछ उच्च वर्ग के कुलीन तंत्र में चलने वाली जबान थी। आज जो हिंदी की स्थिति है, जिसको हम हिंदी कहते हैं, जिसको परनिष्ठित हिंदी कहते हैं, जो खड़ी बोली हिंदी है, उसके बारे में भी ये चीज कही जाती है कि ये खड़ी बोली जो है, हिंदी जो है, जो लिखी जाती है साहित्य में, ये किसी की जबान नहीं है। घर में जो है कोई इसको बोलता है इस रूप में, घर में भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं और तमाम ब्रज बोलते हैं, राजस्थान की भाषाएं बोलते हैं, पहाड़ी भाषाएं बोलते हैं, घर में तो वो बोलियां जो है ये आम बोलचाल की भाषाएं हैं। जो परनिष्ठित हिंदी है, लिखित हिंदी जो है, ये घर में किस बोलचाल की भाषा है। तो आज हिंदी के बारे में ये बात कही जा सकती है कि हिंदी तो कोई जीवित भाषा थी ही नहीं, है ही नहीं, ये तो लोगों के बोलचाल की भाषा है ही नहीं। तो आप संस्कृत को इस हिसाब से क्यों नहीं देखते हैं कि संस्कृत एक परनिष्ठित रूप है भाषा का, जिसमें साहित्य की रचना की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा भी संस्कृत होगी। इसको आप जो है इस रूप में देखना नहीं चाहते जिस रूप में आज हम हिंदी को देखते हैं। संस्कृत तो मृत भाषा थी, संस्कृत तो जीवित भाषा थी ही नहीं।
अरे संस्कृत बाबा लिखित परिनिष्ठित भाषा थी जिसके अंतर्गत अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्राकृत अलग अलग अपभ्रंश अलग अलग बोलियां बोली जाती थी, लेकिन सब लोग संस्कृत को काफी हद तक समझते थे, इसीलिए उसमें साहित्य की रचना हुई। ये वैदिक संस्कृत है, उसके बाद जो जिसको हम क्लासिक संस्कृत कहते हैं जिसमें ज्यादातर ग्रंथों की रचना हुई है वो है। तो ये है, तो पहला तो हमारे दिमागों में ये बिठा दिया गया है कि संस्कृत तो कभी जीवित भाषा थी ही नहीं, तो उसका साहित्य शास्त्र जो है वो हमारे काम की कैसे चीज होगी, ये बैठ गया है, बद्धमूल कर दिया गया है। फिर दूसरे कई कई इस तरह की चीजें कही जाती है। फिर के गद्य का जो आविष्कार है, जो आलोचना के लिए जरूरी होता है गद्य लेखन, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद जो पश्चिमी साहित्य है वहां से आया है। तो वेदों में वैदिक साहित्य में और जो क्लासिक साहित्य में जो दूसरे दूसरे तमाम विषयों पर किताबें लिखी गई हैं वो गद्य में नहीं है, जो कथा साहित्य लिखा गया है वो गद्य में नहीं है, जो जीवनी साहित्य लिखा गया है वो गद्य में नहीं है। ये गद्य कितना विकसित था ये जानने की कोशिश ही नहीं करते, केवल उसको उन्होंने गद्य काव्य कह दिया, क्योंकि काव्य में कहने का तरीका था, गद्य को भी काव्य की तरह से कहने का तरीका था, इसलिए वो उसको गद्य काव्य मानते थे। तो ये धारणा के क्योंकि आज से पहले अंग्रेजों के आने के से पहले हमारे देश में गद्य लिखने की कोई परंपरा ही नहीं थी, इसलिए हम अरे पूरा का पूरा जो संस्कृत साहित्य शास्त्र है, पूरा जो नाटक है, नाट्य रचनाएं हैं, पूरा जो ये क्या कहते हैं उसको जो कथाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है एक विकसित गद्य का परिचय है। तो इसलिए हम ध्यान नहीं देना चाहते, हम मान करके बैठे हुए हैं कि उसमें क्या होगा। तो आज इस बात पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हमको संस्कृत साहित्य शास्त्र, तीसरी धारणा जो है क्या बनी हुई है, अरे वो तो कब का मर गया, संस्कृत साहित्य शास्त्र की जो परंपरा थी वो तो कब शुरू हुई और कब की समाप्त हो गई, अब उसको हम जिंदा करने से, मरी हुई चीज को जिंदा करने से क्या लाभ है। सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक सवाल में जाने की कोशिश तो करें कि कहां से यह शुरू हुई, किन सिद्धांतों को उसने सर्जा और कैसे वो समाप्त हो गई। ये हम जानते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू होकर के, नाट्य शास्त्र जो है ये इस साहित्य सिद्धांत की एक पहली रचना मानी जाती है, जिसमें रस का वर्णन है, जिसमें नाटक के तत्वों का वर्णन है और उसके बहाने साहित्य की बहुत सारी चीजों का के ऊपर का विश्लेषण है, उसके औजार हैं, उसकी जो व्याख्याएं की हैं बाद में मैं नाम गिनाऊंगा आपको, ये सारे के सारे जो उसमें भामे हैं, उसमें दंडी हैं, उसमें आनंदवर्धन है, उसमें अभिनव गुप्त हैं, उसमें वामन हैं और उद्भट हैं, उसमें शंकुक हैं, मतलब ऐसे दर्जनों विद्वान हैं, ऐसे दर्जनों साहित्य शास्त्री हैं, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत साहित्य सिद्धांतों की रचना की है, साहित्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है, और ये सब के सब लोग कौन हैं? इसको कोई पढ़ने की कोशिश तो करे। वो कहते हैं ये मनोविश्लेषण शास्त्र जो है ये तो पश्चिम का जो आधुनिक युग है उसकी ये मनोविज्ञान जो है उसकी पैदाइश है, वहां से लिया है, तो मनोवैज्ञानिक आलोचना जो नई आलोचना हम लोग करते हैं ये तो वहां से हम लेते हैं। तो फिर ये जो भरत मुनि का जो भावों का विश्लेषण है, भाव विभाव संचारी,
ये जो भावों का इतना विस्तार से विश्लेषण है, मानव मन के भावों का, मानव मन की प्रवृत्तियों का, मानव मन के जो ये सब का जो विश्लेषण, वो क्या है? वो मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान जो है ये वहीं से शुरू हुआ है जहां से ये रिनेसा के बाद से शुरू हुआ। ऐसी धारणाएं बैठी हुई हैं जिसकी वजह से हम इस पर ध्यान देना चाहते नहीं। ये पाठ आधारित समीक्षा, ये पाठ समीक्षा जो है, तो ये जो वक्रोक्ति जो है, या जो रीति है, या जो अलंकार शास्त्र है, ये क्या है? ये क्या है? ये पाठाधारित आलोचना नहीं है, ये पाठाधारित समीक्षा नहीं है, ये ध्वनि है, रसद ध्वनि, जिसमें रस और ध्वनि यानी कि तथ्य और रूप दोनों की जो समीक्षाएं हैं उसके तत्वों को मिला दिया है। जो स्फोट सिद्धांत है जिसमें जो कहा जा रहा है उसके परे जा करके जो उसका अर्थ व्यंजित हो रहा है उसका विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। मतलब ये आपके काम की चीज नहीं है। अभी तक तो इसका पूरी तरह से अध्ययन भी नहीं हुआ, ठीक से अध्ययन नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो समीक्षा हमारे देश में जो संस्कृत साहित्य शास्त्र के काव्य शास्त्र के नाम से जानी जाती है, ये एक ऐसी समृद्ध समृद्ध परंपरा है, एक ऐसी समृद्ध समीक्षा है, एक ऐसा कोश है, उसकी तरफ हमने ध्यान देना ही छोड़ दिया, उसको बिल्कुल पटक दिया, अलग करके छोड़ दिया है। और हमारे लिए सबसे मूल्यवान ये जो नई नई जो चीजें आती रहती हैं बाहर से, ये हो गई, तो ये सवाल को नए सिरे से सोचकर देखना चाहिए। कहते हैं और नया आखिर में कितना नया है, और पुराना अगर जो है उसमें कितना पुराना है, तो ये भी तो है। देखिए, समीक्षा जो है, समीक्षा के जो सिद्धांत हैं, समीक्षा का जो शास्त्र है, ये रचना से ताल्लुक रखता है, रचना के औजार हैं, और ये रचना को खोलने के औजार नए और पुराने नहीं होते हैं, वो सक्षम और अक्षम हो सकते हैं, नए पुराने नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर ये कि अब वो मरे हुए उसको बहुत दिन हो गए। आपको मैं बताऊंगा कि ये जितने भी साहित्य शास्त्री संस्कृत के हैं, अगर उनका अध्ययन करें, उनका जीवन देखें, उनके नाम देखें, तो 90% लोग कश्मीर से हैं। मैं नाम गिना दूं आपको, भामहा, आनंदवर्धन, रुद्रट, उद्भट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, मम्मट, भट्ट लोलट, रोहयक, कुंतक, शंकुक, क्षेम, ये तमाम लोग जो है ये कश्मीर से हैं। यानी कश्मीर में ये जो चिंतन की परंपरा है, जो धर्म और दर्शन से जोड़ करके साहित्य सिद्धांत के रूप में प्रस्फुटित हुई है, अलग अलग सिद्धांतों के रूप में प्रस्फुटित हुई है, फली फूली है, ये कैसे समाप्त हो गई? इस सवाल को से कतराते हैं हम लोग। क्यों कतराते हैं इस सवाल से? ये परंपरा जो है एक शताब्दी से शुरू होकर के, भरत के नाट्य शास्त्र से शुरू होकर के 13वीं शताब्दी तक हमको ये समृद्ध रूप में मिलती है। मिलती तो बाद में भी है, लेकिन उतने महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है दिखाई नहीं पड़ते हैं। 13वीं शताब्दी तक ये तमाम जो विमर्श है, साहित्य विमर्श है, आलोचना विमर्श है, सिद्धांत विमर्श है, ये जीवंत विमर्श है, जो आपस में हम टकराते हुए भी देखते हैं, एक दूसरे की व्याख्या कर और विश्लेषण करते हुए भी देखते हैं। ये है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में क्या हो गया कश्मीर में, जो कश्मीर में ये परंपरा समाप्त हो गई? क्या हुआ? ये चालाकी हम लोग इसमें बरतते हैं। कश्मीर में 13वीं शताब्दी के बाद जो एक ये एक नए नए आए हैं, जिसका नाम है सूफी। सूफी ये चिंतक हैं, सूफी कवि भी हैं, मीर सैयद अली हमदानी।
ईरान से आए और इन्होंने बड़े पैमाने पर कश्मीर में धर्म परिवर्तन का काम किया, पूरे कश्मीर को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने का काम इन्होंने किया। बाद में जो मुगल बादशाह वगैरह हुए, जब उनका ये सब इतिहास जो है, ये आप देखेंगे कल्हण की जो राज तरंगनी है जिसमें 2000 साल का कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है उसमें, और बहुत सारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसमें आपको मिलेगा कि ये जो साहित्य सिद्धांत हैं ये कोई शैव मत पर आधारित है, कोई वैष्णव मत पर आधारित है, कोई इस दर्शन पर आधारित है, कोई उस दर्शन पर आधारित है, यानी कि हिंदू दर्शनों पर, हिंदू जो धर्म की जो चीजें हैं उस पर, और ये जो रचनाएं हैं इन पर आधारित जो परंपरा साहित्य सिद्धांतों की काव्य शास्त्र की बनी कश्मीर में, उसको पराभव के, उसको समाप्त होने के, जब वो धर्म ही नहीं रहेगा, जब सारे के सारे अधिकांश जो वहां की जनसंख्या है ये दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गई है, तो ये सिद्धांत कहाँ से रहेगा, ये अभिनव गुप्त कहाँ से रहेगा, ये आनंदवाद कहाँ से रहेगा, ये रस कहाँ से रहेगा। तो ये चीज को खोलने का वक्त है कि संस्कृत साहित्य शास्त्र का जो पराभव हुआ, जो कश्मीर में सबसे स्वर्णिम युग था साहित्य शास्त्र का, उसका जो पराभव हुआ, उसके सूत्र, उसके तार कहीं ना कहीं इस धर्मांतरण से, कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक नया शासन देश पर जो है ये शुरू हुआ है उससे उससे जुड़ते हैं जाकर के, जो है इस बात को उठाइए। और इसीलिए हमको दोबारा उसको का अध्ययन करना चाहिए। एक सवाल आपसे भी होगा कि क्या किसी भी रचना की समीक्षा करने में आपने संस्कृत की जो काव्य शास्त्र की जो समीक्षा थी उसको आपने लागू किया या उस पर अमल किया? यह आपसे सवाल हो सकता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि हम सब लोग तो उसी 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 नई नई समीक्षा में पले बढ़े हैं, हम सब लोग उसी नई समीक्षा में पले बढ़े रहे, इसीलिए अपना जो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, अपना जो पुनर्विचार कर रहे हैं वो इसी कारण कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जैसे नामवर सिंह की जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, हालांकि नामवर सिंह जी ने तो उसको बाद में नकार ही दिया था, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद लोगों ने कहा कि ये समीक्षा सिद्धांतों का की अनोखी पुस्तक है, और ये समीक्षा सिद्धांतों की जो अनोखी पुस्तक है उसमें जिन सिद्धांतों की स्थापना की गई है वो क्या है, वो नव्य समीक्षा के सिद्धांत है। पश्चिम की जो नव्य समीक्षा थी जिसका आविर्भाव अमेरिका के जो दक्षिण का जो प्रांत है, नैशविले जो विश्वविद्यालय है, वहां जो नए समीक्षक एकत्र हुए थे, उन्होंने जिस नई समीक्षा की नींव रखी थी उसके सिद्धांतों को लेकर के पूरी पुस्तक के का चैप्टराइजेशन अध्यायीकरण किया है। और क्योंकि उस जमाने में लोग उतना बाहर की चीजों को पढ़ते नहीं थे तो सब लोगों ने मान लिया कि ये एक नया एकदम मौलिक चिंतक है, मौलिक रूप में जो है उन्होंने कविता का और इन तमाम चीजों का विश्लेषण कर दिया है। तो ये तो बाद में सब चीजें पकड़ में आई हैं, जो मार्क्सवाद को लागू कर रहे थे हम लोग भी उन्हीं में थे। हालांकि उस जमाने में जो मैंने मेरी जो पहली किताब है आलोचना के नए मान, जो नामवर सिंह की किताब के बाद में आई है, उसका पहला पहला जो अध्याय है वो तो आलोचना के जो नए मान जो विकसित हो रहे थे, आधुनिक युग में आलोचना के नए प्रतिमान जो विकसित हुए हैं उसका विश्लेषण एक तरह से पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय का नाम ही है प्राचीन मानों की प्रासंगिकता के प्रयास, प्राचीन मानों की प्रासंगिकता के प्रयास में
डॉक्टर नगेंद्र का जो रस सिद्धांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रस मीमांसा में रस सिद्धांत को समाज सम्मत या लोक धर्मिता से जोड़ने की कोशिश की है, और बाद के जो लोग हैं उन्होंने जो आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत आदि के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, पूरे के पूरे अध्याय में इसी चीज का विश्लेषण है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग से वो चीज बिल्कुल ही गायब हो गई थी। दूसरे अध्याय में ही इस पर हम पहुंचे, प्राचीन मानव की प्रासंगिकता के जो प्रयास हमारे जमाने में किए गए उसका विश्लेषण है। और तीसरा अध्याय है नव्य नव्य समीक्षा, पश्चिम की नव्य समीक्षा और आधुनिक हिंदी के प्रतिमा। तीनों चीजों को तीन अध्यायों में, शुरू के तीन अध्यायों में लिया, यानी कि कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब लोग दूध के धुले हुए थे और सारी चीजों को उसी रूप में समझ रहे थे जिस चीजों को काफी अनुभव के बाद आज हम जिन चीजों की समझ पर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीछे ये चीजें बैठी हुई थी कि हम बाहर के सिद्धांतों को आंख बंद करके बिना नाम बताए ले रहे हैं और अपने साहित्य पर आंख बंद करके उनको लागू कर रहे हैं नव्य समीक्षा के रूप में। उसी में भाषा वैज्ञानिक समीक्षा की आलोचना मैंने की थी, जिसमें रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव हैं, इवन विद्यानिवास मिश्र जी ने भी उस जमाने में क्या रीति रीति शास्त्र लिखा था, रीति शास्त्र लिखा रीति के रूप में, लेकिन उसमें जो सिद्धांत हैं वो सब भाषा वैज्ञानिक जो बाहर के हैं, पाठाधारित जो संरचनावादी है उनका विश्लेषण किया था। तो इन चीजों की तरफ हम बहुत एकदम से कॉन्शियस नहीं थे, ये बात नहीं है, लेकिन सिद्धांत की गिरफ्त में इन चीजों पर विस्तार से लिखने में या इन चीजों का विस्तार से अध्ययन करके आलोचना के सिद्धांतों का निर्माण करने में जो प्रयत्न होना चाहिए था उस तरफ हम लोग नहीं बढ़े। हम केवल उसकी जो आत्मालोचना है उसी तक सीमित रह गए। तो इन सब चीजों को, जो भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत आए या संरचनावादी सिद्धांत आए, पाठाधारित जो आलोचना आई उसका उस जमाने की, ये 1979 में लिखी गई किताब है, लेकिन उसमें इन सारी चीजों की समीक्षा है, उसकी आलोचना है उन सारी चीजों की। लेकिन मैं ये स्वीकार कर रहा हूं आपके सामने आज कि उस आलोचना के बाद जो सकारात्मक रूप में सिद्धांत निर्माण या सिद्धांत कथन या पाठाधारित या जो भी आलोचना रसाधारित जो भी समीक्षा होनी चाहिए थी उस तरफ गंभीरता से बढ़ने का प्रयास हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन अभी जो अभी वक्त आ गया है, क्योंकि हमने काफी दिनों से देख लिया है इस हवाई हवाई हवा हवाई सिद्धांतों को, नए नए जो सिद्धांत हैं जिनका हमारी जमीन से कोई वास्ता नहीं है, जिनका हमारे जो साहित्य है पूरी साहित्य की परंपरा है उसको खोलने से कोई वास्ता नहीं है, तो आज हम ये महसूस करने लगे हैं। ये नहीं है कि पुराने जो बाहर से आए हुए सिद्धांत हैं ये पूरी तरह अप्रासंगिक है, ये नहीं मैं कह रहा हूं, या उनमें कोई तत्व की बातें नहीं है, उनमें कोई नया चिंतन नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उसका उपयोग अपनी जमीन पर खड़े होकर के हमको करना चाहिए था और नई दृष्टि साहित्य सिद्धांतों की देनी चाहिए थी। केवल अंधानुकरण से, अंधानुकरण तो रस का भी बहुत सारे लोगों ने किया है। आप देखेंगे विश्वविद्यालयों में जो आचार्य लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसरान जो बैठे हुए हैं, आज भी वो रसवादी आलोचना कर रहे हैं, कोई रीतिवादी आलोचना कर रहा है, कोई वक्रोक्तिवादी है, तो ये अंधानुकरण का तो कोई समर्थन कौन करेगा, ये कोई नई चीज देने की बात थोड़ी है। आज भी लोग लिखे जा रहे हैं, वो संस्कृत साहित्य साहित्य शास्त्र नहीं है। संस्कृत साहित्य शास्त्र ने विमर्श को जहां छोड़ा था 13वीं शताब्दी में, उस विमर्श को वहां से उठा करके आधुनिक साहित्य पर लागू करके नई नए जो सिद्धांत हैं, नया जो विश्लेषण है, नई जो व्याख्या है, वो करने की जरूरत है, ये मैं कह रहा हूं।
उसमें अगर पश्चिम के नए सिद्धांत हमारी कुछ मदद करते हैं तो उसको वहां से ले लेना चाहिए, अंधानुकरण नहीं, लेकर के नए स्वरूप में, नए रूप में उसको बदलना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। तो आज हम जब रचना से हिंदी, ये केवल मैंने भूमिका स्वरूप कुछ बातें अभी आपको के सामने कही है। मैंने कहा ना कि हम ये विषय इतना उलझा हुआ है, इसके तार इतनी सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, किस किस का विश्लेषण हम बीच बीच में करें कि ये मुकम्मल हो जाए। तो आज की भूमिका के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि बाद में एक एक चीज को उठाएं। जी नमस्कार जी।